सो नाओ लेट स्टार्ट विद वाटर पॉल्यूशन ट्रू ले दिस चैप्टर इज़ सोल एंड ओके कोई बात नहीं वाटर पॉल्यूशन का पहला दो पॉइंट जो याद रखने का है वो है पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन एंड नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन जो पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन होगा जो हमें बहुत अच्छे से ईजिली आइडेंटिफाई होता है जैसे कि म्यूनसिपल डिस्चार्ज एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज और हम छोटे होते हुए बनाते भी थे वाटर पॉल्यूशन इंडस्ट्री में से नाले में से पानी वाटर बॉडीज़ में गिर रहा है और दूसरा हमारे घर के पास से जो नाला निकलता है उसमें भी वाटर पॉल्यूशन है हम देख पा रहे हैं आराम से बड़ा ठीक है हमें फील हो रहा है कि वाह नहीं सो सॉरी वाटर इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड ठीक है एंड नॉन पॉइंट सोर्स क्या हो जाएगा जो हमें पता नहीं चलता जैसे कि एग्रीकल्चर का रन ऑफ ठीक है एसिड रेन की वजह से मतलब पानी पॉल्यूट हो रहा है एग्रीकल्चर में सॉयल इरोजन हो रहा है तो उसके साथ जितने भी मीन्स खराब वराब चीज़ें वो पानी में ही जा रही है लाइक दैट ठीक है अभी सी अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो डोमेस्टिक सीवेज से हमें देखने को मिलेगा ठीक है उसमें पाए जाते हैं अब ऑर्गेनिक वेस्ट है अब जितना डोमेस्टिक सीवेज है एनिमल एक्सक्रीट्रा ह्यूमन एक्सक्रीट्रा प्लांट वेस्ट एंड फूड प्रोसेसिंग उसमें से सब में से ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है जो कि पानी में जाके हमें परेशान करता है मतलब पॉल्यूट करता है ठीक है प्लांट न्यूट्रिएंट्स हो गए केमिकल फर्टिलाइजर्स में केमिकल फर्टिलाइजर्स में प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो रन ऑफ करके सॉइल के साथ पानी को डिस्टर्ब करते हैं टॉक्सिक मेटल्स जो केमिकल की फैक्ट्रीज होती है टॉक्सिक मेटल वैसे मतलब आपके उसमें पानी में आते हैं पॉल्यूट करते हैं पेस्टिसाइड अगेन आपके केमिकली जो यूज़ होते हैं इंसेक्ट फंजा इन सबको मारने के लिए सेडिमेंट्स सेडिमेंट्स छोटे 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 जो सॉयल पार्टिकल हैं ठीक है या माइनिंग की जगहों पे से जो पानी निकल रहा है सॉरी oh, जो गंद निकल रहा है एंड देन पानी में जाके मिल जा रहा है देन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अगेन जहाँ पे भी रेडियो एक्टिव मटीरियल है माइनिंग वगैरह चल रही है वहाँ पे हीट जो पानी मतलब पानी में रिलीज होता है जो पानी यूज़ होता है कूलिंग इंडस्ट्रीज में ठीक है तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट संभव पानी को पॉल्यूट कर रही होती है अब कॉजेज ये तो छोटे छोटे पॉल्यूटेंट थे एग्जाम्पल्स थे और ये हमें पता होते हैं ठीक है थीके? आगे भी जि जितना चैप्टर बचे मोस्टली हमें पता ही है ठीक है बस ट्रिक ये है कि फटाफट हमें रिवाइज करना है ओके okay, पैथोजेंस जो डिसीज़ कॉजिंग एजेंट होते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ ठीक है अच्छे से पढ़ रहा है पैथोजिन में आपके बैक्टीरिया भी आ सकते हैं ठीक है और अब दो नेम्स हैं जो कि पक्का याद होने चाहिए कोलाई e. ठीक है सीकम में भी पाया जाता है नेवर माइंड ठीक है ह्यूमन एक्सक्रीट्रा बैक्टीरिया लाइक इकोलाई एंड स्ट्रेप्टोकोकस फीक फिकलिस ठीक है ये जी आई टी दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीजिज कॉज करते हैं ठीक है दैन उसके बाद आपका ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि लीव ग्रास ट्रैश ठीक है डी के ये सब बायोडिग्रेडेबल है पर कहीं ना कहीं ये वाटर पॉल्यूशन करते हैं पैथोजेंस हैं ठीक है बायोडिग्रेडेबल जो डिग्रेड हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिग्रीड नहीं होते जैसे कि प्लास्टिक ठीक है डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होती है जो कि मीन्स आपके पानी में ऑक्सीजन पाई जाती है डिज़ोल्व हो जाती है ठीक है पर ये लिमिटेड होती है पानी में ठीक है अब विंटर्स में क्या होता है कि ये जो कंसंट्रेशन है टेन तक पहुंच सकती है टेन पी पी एम ओके नाउ नेक्स्ट आपका रिएक्शंस के बाद जो हर्डल है वो है आपके जो ये डेटा है ठीक है पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सब बहुत कम पूछा जाता था अब हार्ड बनाने के लिए एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से और दिमाग ख़राब हो जाता है कि पढ़ा तो था पर डेटा नहीं आता ठीक है तो सारे के सारे डेटा पी पी एम में है ठीक है डिजॉल्व ऑक्सीजन दस से दस तक पहुँच सकता है मतलब कोल्ड वाटर में ठीक है एंड अगर छः से कम हो जाता है तो मछलियाँ मरना शुरू हो जाती हैं ठीक है ऑक्सीजन आ कहाँ से रहा है पानी में एटमॉस्फेयर से आ रहा है और दूसरा जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो भी तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं ठीक है रात को फोटोसिंथेसिस होती नहीं है ठीक है इसलिए और डिज़ोल्ड ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है डार्क रिएक्शन चलता है ना इसलिए ओके देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन में पाए जाते हैं ओके okay. एंड जितने भी ऑर्गेनिक मैटर मतलब पानी में मिक्स होते हैं और ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं ये सारे डिपेंडेंट है एकुटिक लाइफ सारी की सारी मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है इन केस अगर आपका पानी कम पड़ता है सॉरी ऑक्सीजन कम पड़ता है तो इन सब को मतलब थ्रेट है उसके बाद अगर आपका एनारोबिक बैक्टीरिया मीन्स पानी बिल्कुल ही कम हो गया तो एन बैक्टीरिया काम करना शुरू कर देगा जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर फॉल्स स्मेल आएगी पानी के अंदर ठीक है और वो ह्यूमन हेल्थ को तो हार्मफुल हो गई और जो इक्वेटिक लाइफ है उसको भी हार्मफुल होगा क्यों क्योंकि ऑक्सीजन इतनी कम हो गई है पहली बात तो बिना ऑक्सीजन के मर जाएंगे दूसरी बात जो एनोरॉबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो अपना काम शुरू कर देंगे बी ओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जितनी आपको लाइक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो रिक्वायर होती है एक बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑर्गेनिक वेस्ट ठीक है किसी सर्टेन वॉल्यूम में उसको मतलब सैंपल ऑफ वाटर उसको बोला जाता है बीओडी जितनी ऑक्सीजन उसकी डिमांड कर रही है कुछ बायोकेमिकल करने में ये भी हम नाम से पता कर सकते हैं अब इसमें दो आपके पास डेटा आ गया है लेस देन फाइव पीपीएम क्लीन वाटर का बीओडी होता है सी जितना ज़्यादा ऑक्सीजन उसको चाहिए होगा बैक्टीरियाज़ को ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए इसका मतलब ये है कि उतना ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर है ठीक है और जितना कम आपका पॉल्यूट वाटर होगा उतना कम आपको ऑक्सीजन चाहिए होगा बैक्टीरियाज़ को ठीक है तो क्लीन वाटर का मेनली जो आपका बीओडी होता है मतलब जो डिमांड करते हैं वो डिजॉल्व um, ऑक्सीजन की वो फाइव पीपीएम से कम होता है वहीं अगर आप हाईली पॉल्यूटेड बोलो ठीक है जैसे कि रिवर्स में होता है मेजरली वो सेवनटीन पी रहेगा ठीक है केमिकल पॉल्यूटेंट्स में आए तो कैंडियमर क्रीनिकल ये सब आपके मेटल्स हैं ठीक है थीके? ये हमारी बॉडी के लिए तो है ही मतलब डेंजरस और एक्वेटिक लाइफ के लिए भी हमारी बॉडी मेटल्स को नहीं सिक्रीट कर सकती है ठीक है आयंस को तो कर भी सकते हैं एंड दैट टू वो आयंस जो हमें भी हेल्प करते हैं बट मेटल्स को नहीं बिल्कुल नहीं ठीक है एंड हमारी किडनी को सीएनएस को ही अफेक्ट कर सकती है किडनी से ब्लड प्योरीफाई होगा सी सेंटर है तो उसको अफेक्ट कर सकती है देन एसिड्स अगर हम आ जाएँ या सोडियम सॉल्ट्स कैल्शियम क्लोराइड्स ये आपके हमारी बॉडी को भी और कोल्डर क्लाइमेट्स में भी मतलब ये व्हाट से इफेक्ट करते हैं ठीक है पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड डिटर्जेंट्स फर्टिलाइजर्स प्लांट वाटर पॉल्यूशन भी कर रहे हैं इक्वेटिक लाइफ भी खराब कर रहे हैं हमारी लाइफ भी ख़राब कर रहे हैं देन एक बहुत यू नो सिंपल सी वो वो आ रही है क्या पी सी बी फुल फॉर्म फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं बी फॉर बाईफ बी फॉर बाईफ ठीक है एंड पी सी पॉलीक्लोरिनेटिड ओके पॉलीक्लोरिनेटिड बाईफिनाइल ठीक है ओके और ये हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है उसके लास्ट पार्ट में भी दे रखा है ओके पॉलीक्लोरिनेटिड बाईफिनाइल ये बायोडिग्रेडेबल होती है बट द पॉइंट इज ये कार्सोजेनिक होती है ठीक है जो भी ऐसी रिंग्स होती हैं एक से ज़्यादा रिंग होती है जिसमें लाइक वो कार्सोजेनिक होती है यही हमें हाइड्रोकार्बन में दिखा रखा है बाई बाई फिनाइल बाईफनो एक मिनट पॉलीक्लोरोनेटेड क्लोरोनेटेड बाईफिनाइल ठीक है ना यूट्रिफिकेशन क्या होता है यूट्रिफिकेशन होता है जब आपका इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूबल फो फॉसफेट्स नाइट्रोजनस ये सब इतना ज़्यादा पानी में मिक्स हो जाता है कि एल्गी की जो है ग्रोथ बढ़ जाती है क्यों क्योंकि उन्हें इतना ज़्यादा वोट से न्यूट्रेंट मिल रहा है ठीक है तो प्लांट की जो आपकी पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट करने के लिए इतना ज़्यादा जब नाइट न्यूट्रेंट वाटर बॉडी में आ जाता है तो समाउव एनिमल लाइफ जो है वो डिप्राइव होने लगता है जाती है ऑक्सीजन से क्योंकि प्लांट को अंदर लेने के लिए ऑक्सीजन ले रहा है रहे ऑक्सीजन जिसकी वजह से एनिमल्स मर रहे हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं लॉस ऑफ मीन्स बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू तो दिप्रीवेशन ऑफ ऑक्सीजन बाई द एक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स राइट सो दैट इज यूट्रिफिकेशन अब आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा हार्ड चीज है क्या तो आपके कंसंट्रेशन याद रखना सी चार चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए जो कि अलग अलग दे रखी है और पांचवी चीज़ है खूब सारे मेटल्स जो कि अलग अलग कंसंट्रेशन दे रखा है ठीक है चार को हमें एक्सप्लेन कर रखा है सी फ्लोरइन प्रीटी सिंपल एक दो दस ऐसे याद रखना है फ्लोरीन आपके पानी में एक पीपीएम से कम रहना चाहिए या उतना ही रहना चाहिए ठीक है तो तो ठीक है पानी पीने में पर अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपका मीन्स दो भी हो जाता है उससे ज़्यादा भी हो जाता है मोटलिंग ऑफ टिथ होगा ठीक है और अगर दस से ज़्यादा हो जाता है तो ये हड्डियाँ भी गला सकता है ठीक है अगर आपका फ्लोरिन कम हुआ पानी में और तो दांतों के लिए अच्छा नहीं है दांत डी के होना शुरू हो जाएंगे पर अगर ज़्यादा होता है दो तक जाता है तो ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे ठीक है मीन्स गलने लग जाएंगे वहीं अगर दस तक पहुंच गया दो के बाद दस तक तो हड्डियां भी गलना शुरू हो जाएंगी ठीक है ओके okay. दूसरी चीज़ जो फ्लोरीन आयन है वो ईमेल इनेमल को हार्डर बनाने का हेल्प करता है इनेमल क्या है जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी में ठीक है हाउ कम आपको एपिटाइट याद रखना है सी ये हाइड्रोक्सी एपिटाइट एंड फ्लोरो एपिटाइट अगर आपसे फॉर्मूले याद नहीं होते हैं सो इट्स ओके क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है पी ब्लॉक वाले चैप्टर में बट अगर देखा जाए तो कुछ बड़ा याद नहीं करना है कैल्शियम फॉस्फेट एंड सी ए सी ए दैट इज़ कैल्शियम उसके साथ हाइड्रोक्सी है तो ओ एच टू ज्वाइन हो जाता है फ्लोरिन है तो एफ टू ज्वाइन हो जाता है सिंपल एसेड तो एक प्रिटीनॉर्मल टू मोटलिंग दस हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोन्स एंड टीथ बोथ एंड फ्लोरिन कहाँ कन्वर्ट कन्वर्जन कर रहा है हार्ड बनाने के लिए इनमल को हाइड्रोक्सी फ्लोरो फ्लोरोएपिटाइट लेड किडनी को लीवर को रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तीनों को ख़राब कर सकता है अगर पाँच से ऊपर हो जाए अब आपको पाँच याद रखना देगी पाँच पचास पाँच सौ हाउ कम पाँच लेड के लिए ठीक है सबसे छोटा और सबसे खतरनाक पाँच पी ठीक है देन सल्फेट और नाइट्रेट सल्फ्यूरिक सल एसओ टू एनओ टूज पूरे चैप्टर में वही चला है ना तो सल्फेट एंड नाइट्रेट को ज़्यादा अच्छे से इन्होंने भाव दिया है ऐसी नाइट्रेट नीला रंग नाइट्रेट नीला रंग ठीक है तो अगर नाइट्रेट का कंसनट्रेशन पचास पी से ज़्यादा हो जाता है तो आपका मिथेमोगलोबोमेनिया हो जाता है दैट इज़ वॉट ब्लू बेबी सिंड्रोम मतलब कि बच्चा जो होता है उसमें उसको अनीमिया हो जाता है और इतना ज़्यादा अनिमिया हो जाता है कि उसकी बॉडी जो है नीली पढ़नी शुरू हो जाती है ठीक है अब जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उन्होंने सर्कुलेटरी चैप्टर में पढ़ा है ठीक है जो नहीं है बेचारे उनको पता होना चाहिए ब्लू बेबी सिंड्रोम इज जब अनीमिया हो जाता है बच्चे को या नाइट्रेट का, का कंसनट्रेशन बढ़ गया पचास से अब पचास कैसे याद रहेगा पाँच आपको पता है फाइव फाइव हंड्रेड या फिफ्टी का टाउम आ रहा है लीड में पाँच याद रह गया ठीक है सबसे छोटा है ना लीड सल्फेट नाइट्रेट बड़े बड़े है तो पाँच याद रह गया पर नाइट्रेट में सी नाइट्रेट इज़ नीला तो नीला बच्चा ऐसे याद रहेगा ठीक है क्या कॉज है और पचास कैसे याद रहेगा ऐसे कि लेट सपोज आप क्लिनिक में हो ठीक है और नीला ब्लू बेबी सिंड्रोम मीन्स बच्चे को हो गया है तो फीस कितनी लगेगी फिफ्टी थाउजेंड लेट सपोज तो यहाँ से फिफ्टी याद रखना है पी बी एम ठीक है सल्फ़ेट लेक्सेटिव इफेक्ट कर देगा मीन्स अगर ज़्यादा हो जाता है अब हमें यहाँ पे कंसनट्रेशन याद करना है तो पाँच सौ ठीक है पाँच सौ से ज़्यादा हो जाता है तो लेक्सेटिव इफेक्ट करेगा वॉट इज़ दैट ब्लोटिंग ठीक है सिकनेस होगी आपको मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं कि एच सी एल पहले ही पेट में प्रेजेंट था अगर आप सल्फ़ेट वाला एच टू एस ओ फोर भेजोगे मान लो या सल्फ़ेट भेजोगे तो दोनों में लड़ाई होगी एंड लेग्जिटिव इफेक्ट होगा वॉमिटिंग होगी ठीक है या आपको सिकनेस होगी सिंपल तो पाँच पाँच सौ पचास याद रहेगा और फ्लोराइड भी याद रहेगा दूसरे मेटल्स की ट्रिक या मींस याद करने का तरीका कंसंट्रेशन अगले ऑडियो में एंड देन वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर फाइनली